हाय फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस का आज का हमारा सेशन नंबर 4। फ्रेंड्स, अगले सेशंस में हमने देखा कि इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, HUF का स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है, कंपनी का स्टेटस का डिटरमिनेशन कैसे होता है एंड बाकी जो भी असेसी बच गए, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOY, लेटर से आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इन सारे लोगों का स्टेटस का डिटरमिनेशन कैसे होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स स्टेटस डिटरमिनेशन का? इट इज टैक्स इंसिडेंस। ये स्टेटस के हिसाब से आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी कि टैक्सेबल नहीं होगी वो डिपेंड करता है, मतलब इट इज टैक्स इंसिडेंस। क्लियर? एक फास्टेस्ट रिविजन करके आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस से। हमारे पास दो बेसिक कंडीशन, हमारे पास दो एडिशनल कंडीशन। फास्टेस्ट बोलते हैं दोनों के दोनों कंडीशंस। चलो, बेसिक कंडीशंस नंबर 1 हमारे पास जो है, इट इज स्टे ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 2, मतलब कंडीशन नंबर 2, उसमें दो रिक्वायरमेंट है, स्टे ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस स्टे ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। गेटिंग माय पॉइंट? करंट ईयर में 60 डेज का स्टे प्लस 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये हमारी दो बेसिक कंडीशंस। हमारी दो एडिशनल कंडीशंस भी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से फर्स्ट है 10 साल, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर छोड़ दो, उसके पहले के 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से 10 प्रीसीडिंग 10 साल के प्रीवियस ईयर्स में से दो बार आपका स्टेटस एटलीस्ट क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। मतलब आउट ऑफ 10 एटलीस्ट दो बार आप क्या हो फ्रेंड्स, रेसिडेंट। एंड पॉइंट नंबर 2, मतलब सेकंड एडिशनल कंडीशन जो आपको यहां पे कंसीडर करनी है, इट इज 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में से आपका टोटल कितना होना चाहिए, 730 और मोर। क्लियर? तो दो बेसिक कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन में से कोई भी, मतलब दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी फ्रेंड्स, तो आपका स्टेटस एज ए इंडिविजुअल का बन जाएगा, बोलो रेसिडेंट। दोनों के दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं की तो स्टेटस क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। एक बार आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, उसके बाद आप चेक करेंगे उसकी एडिशनल कंडीशंस। फ्रेंड्स, दो एडिशनल कंडीशंस, दोनों के दोनों आपने सेटिस्फाई कर दी, दोनों के दोनों आपने फुलफिल कर दी, तो आपका स्टेटस क्या बनेगा, R&OR मीनिंग दैट बाय रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। फ्रेंड्स देखो, दोनों में से कोई भी एक आपने सेटिस्फाई की, लेट अस से दोनों में से दोनों आपने सेटिस्फाई नहीं की, तो स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? तो ये था हमारा इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। आगे बढ़ते हुए हमने डिस्कशन किया था फ्रेंड्स HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस। HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस को हम डिपेंड करते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर। डिटरमिनेशन और लेटेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, डिटरमिनेटिव फैक्टर कौन सा है, इट इज फ्रेंड्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो उसका कंट्रोल मैनेजमेंट होली इंडिया में होगा तो स्टेटस रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया होगा स्टेटस नॉन रेसिडेंट, पार्टली इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया होगा तो स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट। फ्रेंड्स क्लियर? तो HUF कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में है तो स्टेटस बनेगा रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया तो स्टेटस क्या बनने वाला है, नॉन रेसिडेंट। अब एक बार स्टेटस रेसिडेंट बन गया, बाद में हमको चेक करनी है एडिशनल कंडीशन। वो एडिशनल कंडीशन कौन फुलफिल करने वाला है, कर्ता। जो कर्ता ने एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर दी और कर्ता ने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, उसका स्टेटस क्या बनेगा, R&OR। किसका स्टेटस मैं बात कर रहा हूं, HUF का स्टेटस की बात कर रहा हूं। HUF का स्टेटस क्या बन जाएगा, R&OR। और जो कर्ता ने लेटर से हमारी जो एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं की, दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की और कोई एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो HUF का स्टेटस क्या बन जाएगा, RBNOR। डन फ्रेंड्स, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हुए हम डिटरमाइन किया था कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया फ्रेंड्स। इंडियन कंपनी, बोलो ऑलवेज 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 व्हाट, रेसिडेंट। अदर देन इंडियन कंपनी, मतलब जो फॉरेन कंपनी का हम स्टेटस चेक करेंगे उसमें हमको चेक करना है उसका POM, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो फ्रेंड्स उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया में होगा तो उसका स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट। एंड जो उसका POM आउटसाइड इंडिया होगा तो स्टेटस क्या बनने वाला है, नॉन रेसिडेंट। क्लियर? एंड लास्ट, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बाद में AOP, बाद में BOY, बाद में एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। वापस बस सिंपल, हमको चेक करना है कंट्रोल मैनेजमेंट, होली इंडिया में होगा तो रेसिडेंट, पार्टली इंडिया में होगा, पार्टली आउटसाइड इंडिया होगा तो भी रेसिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया होगा तो स्टेटस क्या बनने वाला है फ्रेंड्स, नॉन रेसिडेंट। बोलो क्लियर? बाद में ये स्टेटस का क्या करूं, तो उसका हम डिटरमिनेशन करेंगे इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, इसको बोलेंगे टैक्स इंसिडेंस। फ्रेंड्स, उसको तीन स्टेटस हमने चेक किया था, R&OR, RBNOR, NR। फर्स्ट याद करो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हम क्या क्या करते थे, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। बाद में था इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम टू अक्रू और अरेज इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। थर्ड था इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया पर कंट्रोल मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया, बिल गेट्स वाला, टैक्सेबल टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। फोर्थ इज फॉरेन इनकम, विच इज इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, बिजनेस होगा तो कंट्रोल मैनेजमेंट ऑल्सो वे आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। एंड इनकम रेमिटेड टू इंडिया इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ इनकम, नेवर टैक्सेबल इन एनी देम, लेट अस से योर रेसिडेंशियल स्टेटस। फ्रेंड्स, वो कोई भी स्टेटस में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा डिस्कशन था इन रिलेशन टू रेसिडेंशियल स्टेटस। आगे
क्वेश्चंस में बढ़ते हुए हमने 11 तक के क्वेश्चंस प्रीवियस सेशन में सॉल्व किए थे, आज शुरू करने जा रहे 12 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका ध्यान सख्त रिक्वायर्ड। चलो ध्यान से, कुछ नया है आज आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम ध्यान से। मिस्टर डेविड, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 31st March 2019 ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कैनेडा। मतलब मिस्टर डेविड हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ रहा है, कनाडा शिफ्ट हो रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए ऑन 31st March 2019। मतलब ये लास्ट ईयर हुआ, इट इज 1819। हमारा ईयर कौन सा है? इट इज 1920। दिखा भी हुआ, देखो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा? इट इज 1920। तो हमारा प्रीवियस ईयर तो शुरू ही नहीं हुआ था तब तक वो इंडिया छोड़ के चल बसा, सॉरी चला गया। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। ओके, इंडिया में एक भी दिन के लिए वो आया नहीं है। ही हैज रिसीव्ड फॉलोइंग इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। उसकी इनकम की डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5। डन, तो पहले करना क्या है वो पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन और कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट 2021। मीनिंग प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1920 के लिए हमको क्या कंप्यूट करना है फ्रेंड्स? उसका टोटल इनकम। चलो फ्रेंड्स उसका पहले डिटरमाइन करते हैं स्टेटस, बिकॉज स्टेटस के ऊपर से डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम कौन सी इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी इंडिया में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। तो ये हमारा आंसर नंबर 12। देखो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 1920 के लिए एक भी दिन के लिए वो इंडिया में नहीं है। ओके, पहले हमको ये चेक करना होगा फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंटली कि उसको बेसिक कंडीशन दोनों एप्लीकेबल होगी कि एक एप्लीकेबल होगी। पता चला? देखो इंडिया में प्रीवियस ईयर 1920 के लिए वो है ही नहीं। अब समझ लो नंबर ऑफ डेज कितने हैं? जीरो। जीरो डेज के लिए वो इंडिया में है, मतलब दो में से कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता ही नहीं है। स्टेटस फिक्स है, उसका क्या रहने वाला है? नॉन रेसिडेंट। स्टेटस उसका है फ्रेंड्स नॉन रेसिडेंट, वो फाइनल बात है। बट मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, देखो कि उसको एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, जो हमने सीखा था ना, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? इंडियन सिटीजन, वापस एक बार, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो वो जो हमारे पास एक्सेप्शन है उसको एप्लीकेबल होगा कि एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या कहना है? उसको बेसिक कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई करनी होगी फॉर बिकमिंग रेसिडेंट, के दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो भी चलेगा फॉर बिकमिंग रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स मेरा ऐसा कहना है कि आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बरोबर समझना, आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया छोड़ रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तब जाके आपको एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा। यू आर लिविंग इंडिया ऑन 31st March 2019। चेक किया फ्रेंड्स आपने इंफॉर्मेशन? यू आर लिविंग इंडिया ऑन 31st March 2019, मतलब यू आर नॉट लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। Getting my point, what I'm exactly trying to convey? During the previous year, आप इंडिया छोड़ते हो, during the previous year आपने इंडिया को लीव किया for the purpose of employment outside India, तब जाकर आपको exception for applicable होगा and first basic condition satisfy करनी होगी for your status to become what? Resident. I think you are getting my point, what I'm exactly trying to convey. Simple words में देखो यहाँ तो ऐसा कोई चिंता ही नहीं है, दोनों की दोनों basic condition वो satisfy कर ही नहीं सकता because इंडिया में एक भी दिन के लिए वो है ही नहीं। Status क्या बनेगा friends? Non-resident. And according to उसकी जो भी income information हमारे पास available है, उसका इंडिया में taxability होगा कि टैक्सेबिलिटी नहीं होगा वो हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं। क्लियर? अलग अलग इनफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, अब जरा टर्न बाय टर्न चेक करते हैं कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। जरा चेक करो, फर्स्ट इज फ्रेंड्स सैलरी ₹5 लाख। अभी देखो ये आपके लिए नया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको टिक कर दो फ्रेंड्स। ध्यान से अभी देखो फ्रेंड्स, हमने टैक्स इंसिडेंस में एक वर्ड डिस्कस किया था, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, हमारे मन में क्लियर है। इनकम अक्रूड इन इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, साथ में एक लाइन में ऑलवेज बोलता हूं, इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब एक्चुअल बेसिस के ऊपर उसका अक्रूड इंडिया में नहीं है। आप समझो, एक्चुअल बेसिस के ऊपर उसका अक्रू इंडिया में नहीं है, हमने मान लिया, हमें डीमिंग फिक्शन इंपोज किया, वी आर डीमिंग दैट इनकम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, एक्चुअली वो इंडिया में इनकम अक्रू नहीं हुई है, वी डीम कि उसकी इनकम इंडिया में अक्रू हुई है। Getting my point? तो फ्रेंड्स ये सैलरी ऐसी इनकम है जिसको माना है हमने कि ये इंडिया में इनकम आपकी अक्रू हुई है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया में काम करे कि इंडिया के बाहर काम करे, वी आर लीस्ट कंसर्न। मैं रिपीट करूंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आइदर वर्किंग इन इंडिया और वर्किंग आउटसाइड इंडिया, वी आर लीस्ट कंसर्न, उसकी इनकम इंडिया में अक्रू हुई है, ऐसा डीमिंग फिक्शन है। लॉ ने ऐसा डीमिंग फिक्शन इंपोज कर दिया है कि उसकी इनकम इंडिया में ही अक्रू हुई है, कंपल्सरी मैंडेटरी इंडिया में टैक्स भरना ही पड़े, कोई ऑप्शन नहीं है। का मतलब
भले गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया काम करता है तो भी इसकी इनकम सैलरी इनकम स्पेसिफिकली सैलरी इनकम इंडिया में अक्रू हुई है ऐसा डीमिंग फिक्शन है ऐसा मान लिया गया है। तो 5 लाख उसकी इनकम इंडिया में डेफिनेटली टैक्सेबल होने वाली है। तो फर्स्ट जो 5 लाख रुपीज है इट इज डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ऐसा खाली सैलरी के बारे में है और कोई इनकम के बारे में नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप चेक करो फॉरेन अलाउंस इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकता बिकॉज उसका स्टेटस क्या है नॉन रेसिडेंट, उसको फॉरेन में मिल रहा होगा बिकॉज फॉरेन अलाउंस है। तो इस सिनेरियो में इस सिचुएशन में इंडिया में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। थर्ड आप चेक कर सकते हो फॉरेन अलाउंस के बाद इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, इंडिया में उसने एफडी की है एफडी का उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। बोलो इनकम इज अक्रूड वेयर, जहां पे आपकी डिपॉजिट है वहां पे आपका इनकम अक्रू होगा। आपकी डिपॉजिट कहां पे है इंडियन बैंक के पास है तो आपकी इनकम अक्रू कहां पे हुई ऑब्वियसली इंडियन बैंक के पास आपकी इनकम अक्रू हुई। तो 1 लाख रुपी एज इनकम इज अक्रूड इन इंडिया उसकी फ्रेंड्स टैक्सेबिलिटी इंडिया में भले नॉन रेसिडेंट हो तो भी आने वाली है। बोलो क्लियर एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स एकदम ध्यान से। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, ये फॉरेन इनकम हुई फ्रेंड्स। फॉरेन इनकम खाली किसके हैंड्स में टैक्सेबल और किस बंदे के लिए टैक्सेबल इट इज फ्रेंड्स आर एंड ओ आर। तो खाली आर एंड ओ आर के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम उसको टैक्सेबल होने वाली नहीं है। लास्ट भी एक बार चेक कर लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, वापस एक बार दोनों की दोनों फॉरेन इनकम है उसकी इंडिया में फ्रेंड्स टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। तो बोथ आर व्हाट फ्रेंड्स नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। सिंपल वर्ड्स में आपकी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी 6 लाख ऑफ रुपीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये सैलरी वाला था कि आपकी इनकम इंडिया में डीम्ड अक्रूड है ऐसा हमने माना हुआ है बिकॉज वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपकी सैलरी इंडिया में अक्रूड ही है ऐसा हमारे डीमिंग फिक्शन है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर देन चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 1330। आओ फ्रेंड्स चेक करते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कहता है एकदम ध्यान से। मिस विविता पेड सम ऑफ $5,000 टू मिस्टर के मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो स्पेशलाइजिंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंस, पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो। बोलो क्लियर क्या हुआ फ्रेंड्स। देखो मिस विविता हमारा आंसर नंबर 13 फ्रेंड्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मिस विविता उसने मिस्टर के को पेमेंट किया है $5,000, पेमेंट कोलंबो में हुआ है। कोलंबो कहाँ है बोलो बोलो, श्रीलंका। ये कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ठीक है। चलो वापस एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। मिस विविता पेड सम ऑफ $5,000 टू मिस के अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन कोलंबो स्पेशलाइजिंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम कर रहा है मिस्टर के, तो मिस विविता ने उसको $5,000 का पेमेंट किया। पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो, जो हमारा पेमेंट है वो श्रीलंका में हुआ है। क्यों पेमेंट किया मिस ने मिस्टर को, आओ जरा चेक करते हैं। मिस्टर के इज नॉन रेसिडेंट, तो हमारे पास स्टेटस इनकम जिसको रिसीव हुई है उसका स्टेटस फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल हो गया विच इज व्हाट फ्रेंड्स नॉन रेसिडेंट। तो हमारे पास किसकी स्टेटस की डिटेल्स आ चुकी है इट इज व्हाट फ्रेंड्स नॉन रेसिडेंट। चलो आगे चेक करो। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो उसकी जो कंसल्टेंसी है वो इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में है। इंपॉर्टेंट अब शुरू होने जा रहा है बरोबर समझना। उसको जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस की सर्विसेज उसने प्रोवाइड की है उसकी कंसल्टेंसी वो जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी जो भी कंसल्टेंसी होगी ना फ्रेंड्स इट इज इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट विच इज लोकेटेड वेयर इन इंडिया। मतलब वो प्रोजेक्ट फाइनेंस की कंसल्टेंसी तो प्रोवाइड करेगा बरोबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो प्रोजेक्ट कहां पे होने जा रहा है, वो प्रोजेक्ट होने जा रहा है फ्रेंड्स इंडिया में। मतलब उसकी कंसल्टेंसी इज इन रिलेशन टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो उसकी जो भी इनकम अक्रू होगी वो इनकम अक्रू कहां पे होगी इंडिया। आप समझे, जहां पे मैं बिजनेस करूंगा ना फ्रेंड्स वहां पे मेरा प्रॉफिट अक्रू होगा, जहां पे मेरी प्रॉपर्टी होगी वहां पे मेरा रेंट अक्रू होगा, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा जहां पे मैं टीचिंग करूंगा पता चला वहां पे मेरी इनकम अक्रू होगी। सिमिलरली जहां पे मेरा प्रोजेक्ट होगा तो उसकी कंसल्टेंसी की इनकम वहां पे ही अक्रू होने वाली है बिकॉज वो इनकम उस प्रोजेक्ट को बिलोंग करती है, वो प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है कनेक्टेड है। तो इन दिस सिनेरियो मेरी जो प्रोजेक्ट फाइनेंस की कंसल्टेंसी है वो प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हुए मेरी इनकम कहां पे अक्रू हुई इंडिया में।
मैं नॉन रेसिडेंट हूं, नॉन रेसिडेंट के लिए ऑलवेज ध्यान में रखना है उसकी दो इनकम टैक्सेबल हो सकती है इंडिया में, वन इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और क्या क्या करते थे, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, इनकम अक्रूड इन इंडिया, और क्या क्या करते थे, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, क्लियर। तो ये फ्रेंड्स उसकी जो भी कंसल्टेंसी इंडिया में, इंडिया के प्रोजेक्ट के बारे में उसने प्रोवाइड किया, दिस इनकम इज अक्रूड वेयर इन इंडिया। ओके, करना क्या है आगे जरा देख लेते हैं। इज दिस पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया? Absolutely yes, because income is what? Accrued in India. In the hands of Mr. K, since the services were used in India, absolutely yes. उसकी जो भी consultancy income है, it is in relation to project in India and therefore इसकी taxability India में आने वाली है. Absolutely, it is friends taxable in India. बोल दिया, एकदम सिंपल, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के बारे में, विच इज फ्रेंड्स रेसिडेंशियल स्टेटस, क्वेश्चन नंबर 14। मेरे दिल से ऐसी इच्छा है ये क्वेश्चन पहले एक बार आप खुद से पहले सॉल्व करो, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स, डन। चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, बट आपने एक बार सॉल्व कर दिया होगा फ्रेंड्स। ओके चलो मैं शुरू करता हूँ। मिसिज गीता एंड मिसिज लीना आर सिस्टर्स, वाह, बोथ आर सिस्टर्स, एंड दे अर्नड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो कुछ FY 1920 की इंफॉर्मेशन हमारे पास उनकी इनकम्स की अवेलेबल है फ्रेंड्स। मिसिज गीता इज सेटल्ड इन मलेशिया सिंस 1986। अब भी नहीं आए थे, मैं भी नहीं आया था 1986 में, वो मलेशिया में सेटल हो चुकी है एंड मिसिज है, मतलब वहां पे शादी कर ली होगी, गीता की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये जो गीता है वो कौन बन जाएगी, नॉन रेसिडेंट। ओके, एंड विजिट फॉर अ मंथ एवरी ईयर, अभी एक एक महीने के लिए वो इंडिया आती है पूरे साल में। तो फ्रेंड्स ना वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ना वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो एब्सोल्युटली उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट। आगे चेक करो, मिसिज लीना इज सेटल्ड इन इंदौर, फ्रेंड्स इंदौर कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश, वो हमारे वहां पे ही है। ओके, सिंस हर मैरिज इन 1994, तो 1994 में उसके मैरिज इंदौर में हुए होंगे, तब से वो वहां पे सेटल्ड है, तो फ्रेंड्स उसका स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट। क्लियर, कंप्यूट टोटल इनकम, हमको क्या कंप्यूट करना है फ्रेंड्स, टोटल इनकम, उसका मतलब क्या, देखो फ्रेंड्स व्हाट इज समेशन ऑफ ऑल फाइव हेड्स ऑफ इनकम, समेशन ऑफ ऑल फाइव हेड्स ऑफ इनकम इज टर्म टू बी व्हाट, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम क्या लेस करने जाएंगे, डिडक्शंस, एंड जो फाइनली हमारे पास अवेलेबल होगा वो क्या होने वाला है, टोटल इनकम। तो वी नीड टू कंप्यूट फ्रेंड्स टोटल इनकम इन दिस क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। चलो चेक करो, of Mrs. Geeta and Mrs. Lina for assessment year 2021, मतलब previous year 1920 के लिए हमको क्या computation करना है उनके total income का। Friends देखो, इसका as a non-resident calculation करना है, इसका as a resident calculation करना है। What I advise personally कि दोनों का अलग अलग calculation करो, because confusion कम होगा, error free आंसर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स। क्लियर, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे वो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी फ्रेंड्स। चलो मैं शुरू करता हूं, हमारा आंसर मिसिज गीता से जो क्या है, स्टेटस एक बार चेक कर लो उसका, स्टेटस क्या है उसका, नॉन रेसिडेंट। ओके, अलग अलग आंसर कैलकुलेट करना बेटर रहेगा फ्रेंड्स, आप चिंता ना करो। तो मिसिज गीता इज नॉन रेसिडेंट अकॉर्डिंगली उसका आंसर हम पहले कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे सीरियल नंबर और यहाँ पे उसकी इनकम, और ऐसा हो तो एक टेबल भी बना सकते हैं, बता दूं फ्रेंड्स आपको, देखो कैसे, मिसिज गीता एंड बाजू में मिसिज लीना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर लिखेंगे हम, यहाँ पे अमाउंट टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी वो मेंशन करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर लिखेंगे हम, यहाँ पे अमाउंट टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी वो मेंशन करेंगे फ्रेंड्स हम। क्लियर, देन कितने ट्रांजैक्शन है एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर 14, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आर दैट, तो 1 to 14 एक बार मैं मेंशन कर दूं तो क्लियर रहेगा फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो दिस नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स वी आर अवेलेबल विथ, डन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी फ्रेंड्स 1 to 14 ट्रांजेक्शन,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, बट दोनों टर्न बाय टर्न हम सॉल्व करेंगे, दोनों का एक साथ सॉल्व करना वायबल नहीं होगा फ्रेंड्स, मगज में दोनों एप्लीकेशन एक साथ करना रिलेटिवली थोड़ा एरेंजेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, तो टर्न बाय टर्न सॉल्व करेंगे, क्या फर्क पड़ता है खास। चलो मिसिस गीता नॉन रेसिडेंट, इन्फॉर्मेशन चेक करते जाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। 15,000 की इन्फॉर्मेशन, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन मलेशिया, तो फ्रेंड्स आपका जो भी प्रोफेशन है वो आउटसाइड इंडिया आपने प्रोवाइड किया होगा, विच वॉज सेटअप इन इंडिया, अभी इंडिया में सेटअप हुआ प्रोफेशन बरोबर है, बट आपने सर्विसेज कहाँ पे प्रोवाइड की, इट इज इन मलेशिया, तो इनकम आपकी अक्रू कहाँ पे होगी, वो भी मलेशिया। ओके रिसीव्ड देयर, मतलब जो भी इनकम रिसीव हुई वो भी कहाँ पे हुई, आउटसाइड इंडिया, मतलब इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अक्रू ऑल्सो वेयर आउटसाइड इंडिया, एंड कॉन्सिक्वेंटली आपकी फॉरेन इनकम खाली एक ही केस में टैक्सेबल होती है, बोलो कौन से केस में, आर एंड ओ आर, ये तो कौन है एनआर, इसकी तो दो इनकम इंडिया में टैक्सेबल, बोलो कौन सी, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी इसके इंडिया में उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आ सकती नहीं है फ्रेंड्स, क्लियर। तो 15,000 उसको इंडिया में टैक्सेबल होने वाले नहीं है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम जब गीता की बात करें तो ये उसके केस में इंडिया में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन ट्रैक चेक करते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम मलेशिया, ये जो प्रॉफिट है 40,000 रुपीज का वो इंडियन बिजनेस से आया है, बिजनेस वॉज इन दिल्ली, बोलो इनकम इज अक्रूड वेयर, जहां पे आपका बिजनेस होगा वहां पे आपका प्रॉफिट अक्रू होगा, तो बोलो बिजनेस इज वेयर इन दिल्ली, मतलब इंडिया में ये इनकम अक्रू हुई है, तो 40,000 की टैक्सेबिलिटी डेफिनेटली आने वाली है। एनआर की दो इनकम टैक्सेबल, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, तो ये इंडिया में आपकी इनकम अक्रू हुई है तो उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में फ्रेंड्स आने वाली है। चलो आगे चेक करो, रेंट कंप्यूटेड, मतलब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है उसके बाद ही है, हाउस प्रॉपर्टी हेड ना देखा हो तो चिंता ना करो फ्रेंड्स, हाउस प्रॉपर्टी में वी आर अवेलेबल विद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद ही ये रेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो रेंट विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया, तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी आपकी मलेशिया में थी उसमें से आपको रेंट आया, डिपॉजिटेड इन बैंक इन मलेशिया लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, मैं तो कहता हूं जब एनआर की बात है दो ही इनकम टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, फ्रेंड्स ये तो प्रॉपर्टी मलेशिया में थी, मतलब ये आपको प्रॉपर्टी अक्रू सॉरी आपकी इनकम अक्रू आउटसाइड इंडिया हुई, डिपॉजिटेड इन बैंक इन मलेशिया तो रिसीव भी बाहर हुई, तो इसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आने वाली नहीं है। तो जो थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन है उसके लिए गीता को इंडिया में इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, होपफुली आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट चेक करो, डिविडेंड फ्रॉम पीक्यूआर एंड इंडियन कंपनी, फ्रेंड्स इंडियन कंपनी का डिविडेंड एक्सम्प्ट है अप टू ₹10 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से डिस्कशन करेंगे आप चिंता ना करो, एंड 10 लाख के ऊपर जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी वो 10% से होगी, तो ये 10 लाख तक आपका इंडियन डिविडेंड है, तो इस केस में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी विच इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। आगे चेक करो फ्रेंड्स, डिविडेंड फ्रॉम मलेशियन कंपनी रिसीव्ड इन मलेशिया, तो फ्रेंड्स फॉरेन डिविडेंड है तो फॉरेन डिविडेंड तो फॉरेन इनकम हुई, फॉरेन इनकम तो खाली एक बंदे के लिए एप्लीकेबल विच इज आर एंड ओ आर, तो इसकी टैक्सेबिलिटी हमारे एनआर के लिए नहीं आ सकती, क्यों, एनआर की तो इनकम टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया अक्रूड इन इंडिया, ये तो फॉरेन इनकम हो गई। तो फिफ्थ नंबर का जो हमारा इनकम है 15,000 रुपीज का, उसकी टैक्सेबिलिटी फ्रेंड्स यहाँ पे आने वाली नहीं है, बोलो क्लियर, चकाचक। आगे चेक करो, सिक्स नंबर इंफॉर्मेशन तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन महाराष्ट्र, फ्रेंड्स ये इंडियन इनकम है, इंडिया में अक्रू हुई है बट है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया और एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जैक्ट, ऐसा हम सीखेंगे चिंता ना करो एग्जम्पशन चैप्टर में, कि जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है उसके ऊपर हमको इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम हो तब जाके उसके ऊपर एग्जम्पशन है फ्रेंड्स, ये 7,500 रुपीज भले इंडिया में अक्रू हुए हो उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो सिक्स एंड सेवन नंबर ट्रांजेक्शन, सिक्स तो एप्लीकेबल ही नहीं था, अब चेक करो, एंड सेवन नंबर ट्रांजेक्शन वापस एक बार क्या हो गया एग्जैक्ट। आगे चेक करो, पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, तो फ्रेंड्स पास्ट की बात
पास्ट के ईयर्स में टैक्सेबिलिटी आएगी। हाँ, इस साल में आप टैक्सेबल करो, बट इट वुड बी बिलोंगिंग टू विच प्रीवियस ईयर, इट वुड बी बिलोंगिंग टू प्रीवियस ईयर इन विच इट वॉज नॉट टैक्स। इस साल की इनकम में उसकी टैक्सेबिलिटी आ सकती नहीं है, रादर आने वाली नहीं है। तो हमारा जो 8 नंबर ट्रांजेक्शन होगा वो भी फ्रेंड्स इंडिया में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। समझ रहे ना फ्रेंड्स, एकदम छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन मलेशिया। अपने टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में रेंडर की है, सो आपकी इनकम कहां पे अक्रू हुई है? जहां पे अपने टेक्निकल सर्विसेज रेंडर की वहां पे आपकी इनकम अक्रू हुई। जहां पे आपकी इनकम अक्रू हुई वो इंडिया है, तो इंडियन में जो भी आपकी इनकम अक्रू हुई वो एनआर के लिए भी टैक्सेबल होने वाला है। मतलब 25,000 की टैक्सेबिलिटी डेफिनेटली फॉर श्योर फ्रेंड्स आने वाली है। तो यहाँ पे 9th ट्रांजेक्शन में मैं क्या कर दूंगा, 25,000 रुपीज को टैक्सेबल। समझ रहे फ्रेंड्स, एकदम सिंपल सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे। बोलो पुणे में आपका बिजनेस था, तो फ्रेंड्स इनकम इज अक्रूड वेयर। जहां पे आपका बिजनेस होगा वहां पे आपका प्रॉफिट अक्रू होगा। जहां पे आपका प्रॉफिट अक्रू होगा वो इंडिया है, तो इट इज इंडियन इनकम विच इज अक्रूड इन इंडिया। तो इन दिस सिनेरियो 12,000 पूरे पूरा टैक्सेबल होगा। इन्फॉर्मेशन चेक करो, मिसिज गीता रिसीव्ड 50% ऑफ इनकम इन इंडिया, बरोबर है। उसमें से 6,000 रुपीज हमने इंडिया में रिसीव किए हो सकते हैं, बट मैं तो कहता हूँ इंडियन बिजनेस की इनकम, इट इज इनकम अक्रूड इन इंडिया पूरे पूरा 12,000। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होने वाला है, 10th नंबर ट्रांजेक्शन में टैक्सेबल। तो 10th नंबर ट्रांजेक्शन में पूरे पूरा 12,000 की टैक्सेबिलिटी फ्रेंड्स आने वाली है। देन आगे चेक करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आया, इनकम इज अक्रूड वेयर इन इंडिया, स्टोरी खत्म हो जाती है वहां पे। 18,500 की टैक्सेबिलिटी 11th नंबर ट्रांजेक्शन में हमको आने वाली है फ्रेंड्स। तो 18,500 आपके हैंड्स में क्या होने वाला है, टैक्सेबल। आगे चेक करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के शेयर्स आपने सेल किए, तो इनकम कहां पे अक्रू हुई, इंडिया में, बिकॉज इंडियन कंपनी के शेयर्स थे, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया। तो 15,000 की टैक्सेबिलिटी आपको फ्रेंड्स आने वाली है। चेक करो यहाँ पे 15,000 आपके क्या होने वाले है, टैक्सेबल। आगे चेक करो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विथ SBI। SBI के पास आपका सेविंग अकाउंट था रुपीज 12,000, तो SBI इंडिया की बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपकी इनकम अक्रू कहां पे हुई, इंडिया में, तो उसकी टैक्सेबिलिटी आपको डेफिनेटली फ्रेंड्स 12,000 रुपीज की इंडिया में आने वाली है। एंड आप लास्ट ट्रांजेक्शन चेक करो जो हमारे लिए है ही नहीं, तो फ्रेंड्स इसकी हमको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कर देता हूँ डैश, बोल क्लियर। लगभग सारे ट्रांजेक्शन रिलेटिवली बहुत सिंपल थे, एक बार कर देते हैं हमारा टोटल ऑफ इनकम। चलो फर्स्ट चेक करो, इट इज 40,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 18,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000, इट कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 1,22,500 ऑफ रुपीज, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस टोटल इनकम। डन, सिंपल था फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स एक ट्रांजेक्शन हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है, विच इज इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद SBI। फ्रेंड्स ये है ना, हम डिस्कस करेंगे, आप चिंता ना करो, अंडर सेक्शन 80TTB हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर डिडक्शन में। फ्रेंड्स आप जो इंडिविजुअल HUF हो, आप सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट रिसीव करते हो, तो उसका डिडक्शन अप टू रुपीज 10,000 आपको अवेलेबल होगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप इंडिविजुअल HUF हो, आप सेविंग अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट रिसीव करोगे उसका डिडक्शन आपको 80TTA में, सॉरी TTB नहीं फ्रेंड्स, 80TTA में, 80TTB इज फॉर सीनियर सिटीजन, 80TTA इज अदर देन सीनियर सिटीजन, तो 80TTA में इसका डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला है और हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो 12,000 रुपीज का है, हमने उसको इनकम के तौर पे ट्रीट तो कर दिया, बट इसका आपको क्या मिल सकता है, डिडक्शन अंडर विद सेक्शन 80TTA अप टू रुपीज 10,000। सर क्या बोल रहे हो, मैं बोला चिंता ना करो, वापस एक बार हम डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर डिडक्शन। तो अभी क्यों डिस्कस किया सर, बिकॉज टेक्निकली हमारा आंसर गलत ना हो जाए, हमको कंप्यूट करना है टोटल इनकम। तो मैं इसमें से लेस करूंगा फ्रेंड्स डिडक्शन विच इज अंडर सेक्शन 80TTA विच इज रुपीज 10,000। 12,000 हमारी इनकम थी, तो 10,000 हमने इसमें से इनकम मान लिया। 122,500 में से 10,000 लेस कर दो, तो फ्रेंड्स जो मेरे पास फाइनली टोटल इनकम बचेगा वो कितना होगा, इट इज 112,500। आई थिंक आप समझे फ्रेंड्स। देन तो जो भी आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे सेविंग अकाउंट से अप टू रुपीज 10,000, उसका डिडक्शन आपको डेफिनेटली अवेलेबल होने वाला है। बोलो आगे बढ़े फ्रेंड्स। डन, हमारा नेक्स्ट असेसी जो है, आई थिंक इट इज मिस लीना। मिस लीना कैसी है, मजा में है, अब चिंता ना करो फ्रेंड्स। स्टेटस वाइज कैसी है, रेसिडेंट,
फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन तो उसको एप्लीकेबल ही नहीं है। आगे चेक करो, डिविडेंड फ्रॉम PQR लिमिटेड इंडियन कंपनी, तो ये जो भी डिविडेंड है इंडियन कंपनी का वो तो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। तो फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन उसके लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले दिन तो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 डन, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स द आंसर, डिविडेंड फ्रॉम मलेशियन कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम मलेशिया और रिसीव्ड इन मलेशिया, ये फॉरेन डिविडेंड हुआ फ्रेंड्स। देखो फॉरेन इनकम है, आर एंड ओवर की तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, पूरे वर्ल्ड में क्या, पूरे यूनिवर्स में क्या, पूरे गैलेक्सी में कोई जगह पे इनकम अर्न करेगा, उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी इंडिया में डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर आने वाली है। तो 8,000 टैक्सेबल होंगे मिसेज लीना को इन ट्रांजेक्शन नंबर 5। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8,000 रुपीज की टैक्सेबिलिटी आने वाली है। आगे देखो फ्रेंड्स, सिक्स्थ नंबर ट्रांजेक्शन थोड़ा ध्यान से फ्रेंड्स, यहां पे रेफरेंस आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। पहले एक मिनट प्रोविजन समझ लो फ्रेंड्स, हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गिफ्ट प्रोविजंस के बारे में कुछ कहता है कि फ्रेंड्स आप जो भी गिफ्ट गिफ्ट रिसीव करते हो विच इज इन एक्सेस ऑफ ₹550,000 तो उसकी टैक्सेबिलिटी आपके हैंड्स में आएगी। एंड 50,000 के एक्सेस टैक्सेबिलिटी नहीं है, पूरे पूरी टैक्सेबल, मतलब आप 50,000 के ऊपर एक रुपया रिसीव करेंगे एज ए गिफ्ट। सपोज आपने मुझे गिफ्ट किया, मैं आपको गिफ्ट ना करूं, आपने मुझे गिफ्ट किया 51,000 रुपीज, तो फ्रेंड्स मेरे हैंड्स में पूरे पूरे 51,000 टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। अब समझे, कुछ एक्सेप्शन है कि मैरिज के टाइम रिसीव हुआ होगा तो एग्जाम्प्ट, विल इन रिटर्न होगा तो एग्जाम्प्ट, उसके कुछ एक्सेप्शन है और हम वापस एक बार डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पर अभी हमको क्या समझना है कि गिफ्ट जनरल टर्म्स में 50,000 तक एग्जम्प्ट है, 50,000 के ऊपर एक रुपया मिला ना पूरे पूरा टैक्सेबल, एक रुपया नहीं 50,000 वन रुपये पूरे पूरा टैक्सेबल होने वाला है। यहाँ पे चेक करो क्या हुआ है, गिफ्ट कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन मिसेज लीनास 50th बर्थडे, तो उसकी 50th बर्थडे के ऊपर कुछ कैश गिफ्ट रिसीव हुई 51,000 की, 50 की लिमिट थी पूरे पूरा 51,000। सिक्स नंबर ट्रांजेक्शन में यहाँ पे असेसी को टैक्सेबल होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिक्स नंबर ट्रांजेक्शन में 51,000 की टैक्सेबिलिटी आने वाली है। आगे बढ़ो फ्रेंड्स, में नेक्स्ट चेक करो, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन महाराष्ट्र, एग्रीकल्चर इनकम वापस एक बार एग्जाम, उसके ऊपर इनकम टैक्स भरने की रिक्वायरमेंट इंडिया में आने वाली नहीं है। नेक्स्ट चेक करो, दो ट्रांजेक्शन उसको एप्लीकेबल नहीं है। अभी आएगा फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन नंबर 10, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पुणे, पुणे बिजनेस का मतलब इनकम इज अक्रूड वेयर इन इंडिया, इंडिया में जो भी इनकम अक्रू हुई है उसकी टैक्सेबिलिटी तो आर हो एनआर हो आर में आरबीएनआर हो आर एंड ओ आर हो क्या फर्क पड़ता है, ऑलवेज आने वाली है। मतलब 15,000 टैक्सेबल होने वाला है, 15,000 इज टैक्सेबल फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 10। ट्रांजेक्शन नंबर 10 के लिए 15,000 की टैक्सेबिलिटी उसको आने वाली है। नेक्स्ट चेक करो, 11 नंबर ट्रांजेक्शन इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी के जो डिबेंचर्स थे वो इंडिया में उसकी इनकम अक्रू होगी, तो फ्रेंड्स 14,000 की टैक्सेबिलिटी इंडिया में आने वाली है। तो यहाँ पे 14,000 क्या होने वाले है टैक्सेबल। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, वापस एक बार आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स को सेल किया है, इनकम इज अक्रूड वेयर इन इंडिया, तो फ्रेंड्स 25,500 सारे लोगों के लिए ऑब्वियसली टैक्सेबल होता, ये तो आर एंड ओ आर है तो इसके लिए भी ये टैक्सेबल होने वाला है। चलो आगे चेक करो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट विद SBI, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका कितना रिसीव हुआ है फ्रेंड्स 8,000 ऑफ रुपीज, आपका जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, इनकम इज अक्रूड इन इंडिया, तो उस केस में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। डन। एंड 14 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन चेक करो फ्रेंड्स, क्या है लास्ट ट्रांजेक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू LIC। फ्रेंड्स ये जो है ना वो डिडक्शन की इंफॉर्मेशन है, जो डिडक्शन आपको कहां पे मिलेगा ATC। सर क्या है ATC, वापस एक बार चिंता ना करो, पूरा चैप्टर है डिडक्शन, पर टेक्निकली हमारा आंसर गलत ना हो जाए उसके लिए 30,000 का हम अवेलेबल करेंगे डिडक्शन। फ्रेंड्स 14 नंबर ट्रांजेक्शन तो इनकम के लिए नहीं है, वो कुछ पेमेंट के लिए है, तो हम पहले कंप्यूट करेंगे यहाँ पे GTI, उसमें से लेस क्या करेंगे डिडक्शंस, दो डिडक्शंस यहाँ पे आएंगे, एक ATC जो 30,000 का है जो LIC प्रीमियम हमने पे किया वो, एंड नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ATTT, ये अप टू ₹10,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे 8,000 आपकी इनकम है, सेविंग अकाउंट में आपका इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स 8,000, तो 10,000 का डिडक्शन ना मिले, स्टैंडर्ड नहीं है, इनकम तक
10,000 रुपए तक आपका इंटरेस्ट होगा ना फ्रेंड्स, तो डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 8,000 का हमको क्या मिल सकता है डिडक्शन, जो फाइनली बचेगा वो क्या होने वाला है फ्रेंड्स टोटल इनकम। अब जरा एक बार टोटल कर लेते हैं हमारे इनकम्स का। फर्स्ट होगा फ्रेंड्स 8,000 प्लस 51,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000 25,500 प्लस 8,000 कम्स टू व्हाट 1,21,500। दो डिडक्शन हमको अलाउड 30,000 एंड 8,000। फाइनली हमारी टोटल इनकम चेक की जाए इट इज फ्रेंड्स 83,500 ऑफ रुपीज। बोलो क्लियर, चकाचक फ्रेंड्स, आपने खुद से सॉल्व किया था तो आंसर टेली हो गया, बहुत अच्छी बात। डिडक्शन की चिंता ना करो फ्रेंड्स, वो पॉइंट नया है आपके लिए तो डेफिनेटली उसमें आंसर आपका डिफर हो सकता है, बाकी जीटीआई तक का आंसर आपका सेम टू सेम होना चाहिए फ्रेंड्स। क्लियर, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर व्हिच इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स ध्यान से, कोई कैलकुलेशन नहीं है, थियोरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा। एन इंडिविजुअल हु इज इंडियन रेसिडेंट, इंडिया में वो रेसिडेंट है, इज अलाउड टू होल्ड टू डिफरेंट सिटीजनशिप्स साइमल्टेनियसली, तो ड्यूअल सिटीजनशिप उसके पास है, ऐसी पॉसिबिलिटी आज के दिन पे हो सकती है। सर्टेन कंट्रीज के साथ आपका सिटीजनशिप में ऐसा अग्रीमेंट हो सकता है कि आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप पॉसिबल हो। इज सिटीजनशिप अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या उसके सिटीजनशिप से कोई फर्क पड़ता है हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर? देखो एज सच ना, बिकॉज हमारे बेसिक इंडिविजुअल की बात है तो हमारे बेसिक कंडीशंस में नंबर वन देखो नंबर टू देखो, एडिशनल कंडीशन में नंबर वन देखो नंबर टू देखो, तो फ्रेंड्स ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कि वो इंडियन सिटीजन है कि ड्यूअल सिटीजनशिप उसके पास है, ऐसा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी बेसिक कंडीशन नंबर वन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर की रिक्वायरमेंट रखती है, ये 60+365 डेज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे दो बार आपको रेसिडेंट बनना है आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यहाँ पे आपको टोटल होना चाहिए 730 और मोर इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो एज सच कोई क्राइटेरिया और कोई ऐसी कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास एक सिटीजनशिप होनी चाहिए, ड्यूअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, कि सिटीजनशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इट इज एट ऑल नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, वो एक्सेप्शन के लिए आपको सिटीजनशिप का क्राइटेरिया कंसिडर करना होगा। फर्स्ट एक्सेप्शन वॉज वॉट, फर्स्ट एक्सेप्शन हिट हो जाता है यहां पे कि इंडियन सिटीजन, बरोबर समझना, इंडियन सिटीजन इज लिविंग इंडिया और ही लिव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और इज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। सॉरी फ्रेंड, सेकंड में हिट हो जाएगा, इट इज इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन who are coming to India for the purpose of visit to India। तो देखो यहां पे भी इंडियन सिटीजन who lives India, दोनों केस में इंडियन सिटीजन वर्ड को इस्तेमाल किया गया है, तो ये रेलेवेंट फैक्टर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर, तो यहाँ पे इंडियन सिटीजन who lives India for the purpose of employment outside India or as a member of Indian cruise ship, तो ये इंडियन सिटीजन वर्ड काम आया। एंड यहाँ पे वापस एक बार इंडियन सिटीजन who comes to India for the purpose of visit to India और एनी इंडियन ओरिजिन who comes to India for the purpose of visit to India फ्रेंड्स। क्लियर, तो एस सच ड्यूअल सिटीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ इंडियन सिटीजन वर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक्सेप्शन के केस में आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा जो आपको सेकंड कंडीशन इनऑपरेटिव कर देगा फ्रेंड्स। बोलो क्लियर डन, तो फिर सब कुछ आपको पता चला होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में। हमारा इनिशियल जो भी डिस्कशन था इट वाज इन रिलेशन टू डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस व्हिच वाज ऑफ इंडिविजुअल, देन HUF, देन कंपनी, देन फॉर रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द असेसेस, और बाद में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस किया इस चैप्टर का इट वॉज इन रिलेशन टू टैक्स इंसिडेंस फ्रेंड्स। क्लियर, होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी स्मूथ, वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.